अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कीमे और अंडे की एक नई रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरह से आप अंडा कीमा बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना। चलिए देखते हैं बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम कर लिया है। कुछ खड़े गरम मसाले हम इसमें डाल देंगे। जब गरम मसाले तड़कने लगे हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो इसे हमने फ्राई करना है। प्याज को अच्छा सा कलर आने देंगे, गोल्डन कलर होने तक हमने इसे फ्राई करना है। अभी देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है, तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसे अच्छे से हमने 1 मिनट के लिए भून लेना है। लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक हम इसे भून लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 किलो कीमा, तो इसे मैंने अच्छे से धोकर इसे छलनी पर रख दिया था कि इसका पानी निथर जाए। और इसे हमने कीमे को भी भून लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी कीमे में से निकला है। इसे हमने अच्छे से भून लेना है, ऊपर नीचे करके हम चलाते रहेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। ये देखिए कीमे में से कितना पानी छूटा है। तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि मशीन का कीमा है, इसे हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े टमाटर को चॉप करके डाल दिया है। बारीक बारीक चॉप करेंगे कि अच्छे से टमाटर जल्दी से गल जाए, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और लो फ्लेम पर हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, यहाँ तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और कीमा भी गल जाए। कीमा गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही बारीक कीमा है ये मशीन का। और ये देखिए टमाटर गल चुके हैं अच्छे से, तो ये जो तेज़पत्ता और ये सब दिख रहा है हम इसे निकाल लेंगे। इसका असर कीमे में आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें से निकाल लेना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके, और खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। और आखिर में मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, बहुत थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आप इसे पतली ग्रेवी बनाना चाहते हैं कीमे की, तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे इस तरह का सूखा सा चाहिए कीमा। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा जगह बना लेना है हमें बीच में, इस तरह से चम्मच की मदद से इस तरह से हमने गहरा कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 अंडे। तो बस इसी तरह से हमने अंडे को छिलका उसका निकाल कर इस तरह से हमने डाल देना है इस पर कीमे पर। अब हम इसे रख देंगे और इस पर हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डाल देंगे हम, क्योंकि अंडे में नमक नहीं है इसलिए हमने थोड़ा सा काली मिर्च और नमक इस पर डाल दिया है। और इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए हमारा जो अंडा है वो अच्छे से सॉलिड हो गया है, पक गया है। तो इसे इसी तरह से हमने सर्व करना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना। आप इसे चपाती से, रोटी से और पाव से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है।